उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल का 30 दिन का समय पूरा हो चुका है। ऐसे में जनता को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन से काम हैं जो उन्हें प्रभावित कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ। भाई साहब, 30 दिन का कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका है योगी सरकार का। इस कार्यकाल के 30 दिनों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, क्योंकि अभी 30 दिन हुए हैं इनको सरकार को गठन हुए, दूसरा जो कार्यकाल है, तो उसमें कोई ऐसी योजना जो नहीं दिख रही जो धरातल पर अभी काम कर रही है। लेकिन एक योजना उनकी जो है, जो बुलडोजर वाली, अच्छा, वो दिखाई दे रही है। लेकिन मैं योगी जी से यही कहना चाहता हूँ कि बुलडोजर जो है उसका रुख दोनों तरफ होना चाहिए। एक तरफ रुख अगर रहेगा बुलडोजर का तो कभी कामयाब नहीं होगा। मैं योगी जी से यही बात कहूँगा, योगी जी आपका कार्यकाल, पिछला भी कार्यकाल ठीक रहा था, ये कार्यकाल भी आपका अच्छा रहे। लेकिन चूंकि जैसे कि राम राज्य की एक स्थापना होती है, राम राज्य जो होता है वो सभी लोगों को एक नज़र से राम राज्य में देखा जाता है, ना कि एक तरफ आपकी निगाह हो और एक तरफ आप निगाह बंद करें। आपका अच्छा कार्यकाल है, आप आगे अच्छे काम करेंगे, आपकी योजनाएं प्रभावी थी इसीलिए आप दोबारा जो है सत्ता में आए हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि योगी जी आप अपने बुलडोजर का रुख दोनों तरफ करें। दोनों तरफ का क्या मतलब है? योगी सरकार तो अभी तक जो बुलडोजर चला रही है वो अवैध निर्माण, जो गुंडे माफिया हैं उनके खिलाफ चल रहा है, तो दोनों तरफ का क्या मतलब? ये योगी जी की बात है। योगी जी जैसा कि कहते हैं कि भाई माफियाओं पे बुलडोजर चलेगा, जो अवैध निर्माण है, लेकिन उनका जो आदेश है, उनके आदेशों का जो पालन होता है वो आधिकारिक सही तौर पर नहीं करते। योगी जी को मैं इस पर खास तौर पर इस पर निगाह रखनी चाहिए कि एक अच्छे रामराज की स्थापना हो जिसमें सभी लोग खुश हों, सभी वर्ग के लोग अपने आप को जो है सुरक्षित महसूस करें। यही रामराज है और मुझे उम्मीद है कि योगी जी ऐसा ही करेंगे। आपकी ये कार्यकाल योगी जी का सभी लोगों के लिए अच्छा होगा, सभी धर्म के लोगों के लिए अच्छा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और अब का जो कार्यकाल है उसमें योगी जी जो सरकार है वो विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो बाबा जी अगर ऐसा काम नहीं किए होते तो दोबारा रिपीट यूपी में नहीं आते। आज तक कोई सरकार रिपीट नहीं हुई, सिर्फ बाबा जी जो थे वो दोबारा रिपीट। इन 30 दिनों में ऐसे कौन से काम हैं जो सरकार के जो आपको प्रभावित करते हैं या जो आपको अच्छे लग रहे हैं? हमें तो भाई 5 साल पहले रहे, 30 दिन इधर भी पूरे हो गए। हमको तो पहले भी अच्छा लगा और अभी भी अच्छा लग रहा है कि ऐसा शासन प्रशासन जिस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है। यूपी में और क्या चाहिए आदमी को, ये चाहिए। बस एक गुजारिश है कि थोड़ा सा रोजगार पे ध्यान दे और जो नौकरी की वैकेंसी है, जो लोग नौजवान हैं जो मेहनत कर रहे हैं सुबह उठ के 4 बजे दिनावान, जो अपना खून पसीना बहा करके जो अपनी सरदों पे जाना चाह रहे हैं, उनका थोड़ी सी वैकेंसी पे ध्यान दें। और कुछ नहीं, जो रोजगार है रोजगार ऐसे चलता रहे। 30 दिन के कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं योगी? बहुत अच्छा देख रहे हैं भाई साहब। यानी कुछ मान लीजिए रमजान खत्म होने वाला है, कोई दंगा नहीं, भी मुहर्रम हुआ जो सुनने में बढ़िया होती थी वो भी बहुत बढ़िया किया है, प्रशासन मजबूत था। अभी कल परसों की बात अफ्तार पार्टी हुई, अजय पाठक जी तो यहाँ पे अपनी उपस्थिति जाहिर किए थे, वैसा 3 घंटा थे। तो कोई ये चीज़ देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, मैं सरासर उसको गलत कह रहा हूँ। देखिए, चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो, उनको चाहिए भाई रोजगार और सुरक्षा, जबकि हम बीजेपी में बिल्कुल सहमत हैं इस चीज़ से। और ये चीज़ मैं अपने आपों से देख रहा हूँ, बस समझ रहे हैं। बाकी देखिए, दंगा पिछले 5 साल में भी समुदाय वो होता ना कि कम्युनिटी वो नहीं हुआ है। देखिए, मोबिलाइजिंग हुई, उस पर कार्रवाई भी हुई है। अब योगी जी तो हर जगह नहीं चलते फिरेंगे कि हाँ भैया ये मत करो ये मत करो। इंसान अगर बसा हुआ है तो कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे भी हैं। अगर कोई बुरा करता है तो उस पर संज्ञान लिया जाता है, प्रशासन उस पर कार्रवाई करता है। इसलिए भाई बीजेपी का मैं फुल समर्थन हूँ और मैं तारीफ करता हूँ। जैसे भाई ने कहा, जैसे हमारे बड़े भाई साहिब भाई ने कहा कि जो है योगी जी से थोड़ी एक निवेदन है कि जो बिल्डोजर चल रहे हैं अवैध में, तो ये पहले अगर LDA में या नगर निगम में कोई भी ज़मीन थी, कोई निर्माण होता है, तो उसमें पहले जो है शासन प्रशासन ही उसका नक्शा पास करता है। बिल्कुल पास करता है ना। अगर वो पास नहीं करता तो कोई भी ठेकेदार की हिम्मत नहीं कि वो अलीगल कब्जा कर ले। अगर जब तक शासन प्रशासन साथ नहीं देगा तब तक कोई निर्माण नहीं हो सकता। अगर शासन प्रशासन पे थोड़ा सा योगी जी ध्यान दे दें, जिसे हमारे बड़े भाई ने कहा कि उस पे जो है थोड़ा सा योगी जी को ध्यान देना चाहिए, तो ये जो बिल्डोजर चल रहा है ये भी थम सकता है।
कार्रवाई अगर होनी है तो दोनों पक्ष में होनी है, उनको भी जेल भेजा जाए, क्योंकि भाई उनके बगैर जो है कोई बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती, वो भी खास करके शहर में। बिहार में चलो कोई बात नहीं है, अवैध कब्जे हुए या नहीं हुए, किसकी ज़मीन थी क्या था, उसमें कोई गुंडा माफिया की कोई बात नहीं है, जो गलत है वो बाबा जी सही कर रहे हैं। बस बाबा जी से थोड़ा सा निवेदन ये है कि कार्रवाई दोनों तरफ से होगी, अधिकारियों पर भी कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अधिकारी पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक बिल्डोजर कभी नहीं थम सकता। बिल्डोजर तभी थम सकता है जब अधिकारी कब्जे में आएंगे। अधिकारी गलत नहीं करेंगे तो जनता की हिम्मत नहीं गलत करनी। जब तक एक चौकी पे इंस्पेक्टर हो उससे मिलने जाओ, वो अगर 5,000 ले करके कोई गलत काम कराएगा तभी तो हम लोग 5,000 देंगे ना, और जो लाठी डंडे मार देगा हमको तो हम कभी नहीं जाएंगे उसके पास दोबारा, जाएंगे नहीं जाएंगे। तो ये है कि ये जो अधिकारियों पे शिकंजा कसा जाएगा तब अधिकारी खुद अपने आप में देखेंगे कि क्या गलत है क्या सही है, और जब सही होगा तो बिल्डोजर कभी नहीं चलेगा। तो ये कुछ लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं, लेकिन वो लगातार योगी सरकार की सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। हालांकि एक नाराजगी जरूर है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है उस पर किसी कहीं ना कहीं अधिकारियों का भी हाथ है, क्योंकि अधिकारी ही उसको उसका नक्शा पास करते हैं और अधिकारी ही उसकी कार्रवाई करते हैं, इसलिए अधिकारियों पर भी कार्रवाई लगातार। राजधानी लखनऊ से नवभारत टाइम्स के लिए संदीप तिवारी।